हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप खुद को किस तरीके से ड्रेसअप कर सकते हैं, स्टाइलिश दिखा सकते हैं, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी एंड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, नंबर वन जो ड्रेस है जिसे आप अपनी प्रेगनेंसी में इजिली वियर कर सकते हैं एंड काफी ज्यादा स्टाइलिश भी लगती है, वो है गाइस पेपलम ड्रेसेस। गाइस, जो ड्रेस इस टाइम आपको स्क्रीन पर दिख रही है उन्हें गाइस पेपलम ड्रेसेस कहा जाता है। गाइस, पेपलम ड्रेसेस प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा स्टाइलिश भी लगती है एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी होती है, क्योंकि गाइस ये ड्रेस वेस्ट लाइन से नीचे काफी ज्यादा लूज होती है। तो गाइस, आप इस तरीके से अपने लिए ड्रेसेस बनवा सकते हैं। गाइस, पेपलम ड्रेसेस को आप शरारा गरारा किसी के भी साथ वेयर कर सकते हैं या फिर स्कर्ट के साथ भी आप पेपलम कुर्ती बनवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस सेकंड नंबर ड्रेस की जिसे आप अपनी प्रेगनेंसी में वेयर कर सकते हैं, वो है गाइस प्लेटेड गाउन। गाइस, प्लेटेड गाउन भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है प्रेगनेंसी पे एंड काफी ज्यादा स्टाइलिश भी लगती है। गाइस, प्रेगनेंसी में आपको कंफर्टेबल एंड लूज कपड़े पहने चाहिए, तो गाइस इसके लिए प्लेटेड गाउन परफेक्ट है। गाइस, आप इस तरीके से प्लेटेड गाउन रेडी करवा सकते हैं एंड आप उन्हें इजीली वियर कर सकते हैं। गाइस, नंबर थ्री जो ड्रेस है वो है गाइस काफ्तान ड्रेसेस। गाइस, काफ्तान ड्रेसेस भी कंफर्टेबल एंड लूज होती है एंड आप उन्हें इजीली वियर कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, तो गाइस आप काफ्तान ड्रेसेस भी बनवा सकते हैं। गाइस, आप लॉन्ग काफ्तान ड्रेसेस बनवा सकते हैं या फिर उनकी लेंथ थोड़ी सी कम करके आप किसी भी कंफर्टेबल बॉटम के साथ उन्हें वियर कर सकते हैं। गाइस, नंबर फोर्थ जो ड्रेस है वो है गाइस साड़ी विद पेपलम ब्लाउज। गाइस, अगर आप प्रेगनेंसी में साड़ी वियर करना चाहते हैं या फिर आपकी फैमिली में ओनली साड़ी ही अलाउड है, तो गाइस आप उन्हें स्टाइल करने के लिए पेपलम ब्लाउज रेडी करवा सकते हैं। गाइस, पेपलम ब्लाउज भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एंड इससे आपकी टमी एरिया भी विजिबल नहीं होती है, काफी कम विजिबल होती है। तो गाइस, आप इस तरीके से साड़ी के साथ पेपलम ब्लाउज वेयर कर सकते हैं, काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक देगा आपको। तो गाइस, आप साड़ी के साथ पे पेपलम ब्लाउज वेयर कर सकते हैं। गाइस, अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड नंबर फाइव ड्रेस की जिसे आप अपनी प्रेगनेंसी में वेयर कर सकते हैं, वो है गाइस विदाउट वेस्ट लाइन कुर्ती। गाइस, जिन कुर्ती में वेस्ट लाइन नहीं होती है उन्हें गाइस विदाउट वेस्ट लाइन कुर्ती कहा जाता है। तो गाइज, आप इस तरीके की कुर्तीज अपने लिए रेडी करवा सकती हैं या फिर मार्केट से भी परचेस कर सकती हैं। गाइज, ये कुर्तीज भी काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं प्रेगनेंसी में, तो गाइज आप इस तरीके की कुर्तीज अपने लिए रेडी करवा सकते हैं। गाइज, ये थी कुछ ड्रेसेस जिन्हें आप अपनी प्रेगनेंसी में वेयर करके खुद को स्टाइलिश दिखा सकते हैं एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहती है ये सारी ड्रेसेस। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा। गाइज, आपको मेरे चैनल पे इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए मिलती है, तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।